वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी फॉर्च्यून। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पेशावर वर्सेस लाहौर पीएसएल मैच, जो कि आज खेला जाएगा शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में। क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11, कौन से प्लेयर ग्रैंड लीग में बेस्ट होंगे, क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम, सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। सो सबसे पहले, जो लोग हमारे साथ पहली बार टेलीग्राम चैनल पर जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही जुड़ना, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स हैं हमारे नाम के और पीएसएल चल रहा है, तो ऑफकोर्स लोग पैसे भी मांग रहे हैं। सो आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीखो और जीतो, यही सबसे बढ़िया मोटो रहता है। सो आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, रेगुलर वीडियोस आपके लिए आ रही हैं। सो जैसे ही वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि लगातार यार आप दो दो तीन तीन वीडियो अगर आएंगी तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होता है, सो उसके लिए सपोर्ट ज़रूर करना। बाकी बात करें वेन्यू की, सो सेम वेन्यू है शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी। अगेन यहाँ पर चेजिंग टीम को जो है बेनिफिट मिलता है। इस मैच में जो है बॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं दोनों टीम के पास, सो मुझे लगता है कि एक डिसेंट स्कोर 140-50 तक का हमें देखने को मिलना चाहिए। और रात का मैच है सो देखना होगा ड्यू आएगी या नहीं आएगी। अगर ड्यू आती है तो स्पिनर्स का रोल जो है वो थोड़ा इनफेक्टिव हो सकता है, वो भी सेकंड इनिंग में, स्पेशली सेकंड इनिंग में, क्योंकि बॉल ग्रिप करने में प्रॉब्लम आती है और जब ऐसा होता है ड्यू फैक्टर आता है तो सेकंड इनिंग में चेज करना और ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर बात करें यहाँ पर पेशावर की, सो कामरान अकमल ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे ईमान उलक के साथ, यहाँ पर शोएब मलिक या हैदर अली सिचुएशन के बेस पर दोनों में से कोई भी वन डाउन आ सकता है। अगर विकेट बिल्कुल ही जल्दी गिर गई तो शोएब मलिक भी आ सकते हैं, वरना हैदर अली। यहाँ पर डेविड मिलर हैं, यहाँ पर रदरफर्ड है, अमाद बट हैं, फेबिन एलन, मोहम्मद इरफान या उमेद आसिफ, इनमें से कोई एक खेलेगा। मुझे लगता है कि फेबिन एलन को खिलाया जा सकता है, बट यहाँ पर एक है कि कौन, देखते हैं कौन खेलेगा। यहाँ वहाब रियाज है, मोहम्मद इरफान, इनके इमर्जिंग प्लेयर, और यहाँ पर फिडल एडवर्ड्स जो है खेल सकते हैं ये वाला मैच। लाहौर कैलेंडर्स की बात करें तो फ़खर जमान ओपन करते हुए नज़र आ जाएंगे सोहेल अख्तर के साथ, मोहम्मद फैज़ान है, हफीज़ है, बेन डंक है, टिम डेविड है, राशिद खान है, जेम्स फॉकनर, अहमद दानियाल, शाहीन अफरीदी और यहाँ पर हैरिस रॉफ आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। अब हम चलते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास दो ऑप्शन है, कामरान अकमल है और बेन डंक है। कामरान अकमल स्ट्रेट अवे बेटर चॉइस होगी और काफ़ी अच्छी चॉइस है, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में कैप्टन वाइस कैप्टन की भी काफ़ी जब चलते हैं सो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जो पिछला पीएसएल इनका गया था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, ऑन ऑफ सही रहा था और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, बट स्टिल एक अच्छा खिलाड़ी है जो आपको बड़ी इनिंग खेल कर दे सकता है और पेशावर के लिए इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी रहेगा। ग्रैंड लीग में तो कैप्टन बना नहीं है, स्मॉल लीग में भी कैप्टन वाइस कैप्टन कंसिडर कर सकते हो। बेन डंक अच्छा खिलाड़ी है, पीएसएल का रिकॉर्ड अच्छा है, बट मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं सो उससे बेटर है कामरान अकमल। लेकिन अगर आपको लगता है कि कामरान अकमल फ्लॉप होगा सो आप उस केस में आप बेन डंक को ले सकते हो, वरना अगर दोनों में चॉइस होए, क्योंकि ओपन कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है पेशावर के लिए, सो बेटर ऑप्शन कामरान अकमल है। दोनों के साथ जाना चाहते हो दोनों के साथ भी जा सकते हो। बैटिंग सेक्शन में फ़खर जमान इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, आज काफ़ी लोग इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर रहे हैं, इनका भी ऐसे ही रहता है जब चलते हैं सो अच्छे खासी लंबी इनिंग खेल जाते हैं वरना स्टार्टिंग में आउट हो जाते हैं। अटैकिंग खिलाड़ी है सो कैप्टन वाइस कैप्टन काफ़ी लोग इन्हें बनाने वाले हैं। यहाँ पर शोएब मलिक एवरग्रीन खिलाड़ी, आज भी ये जितने भी खिलाड़ी खेल रहे होंगे मुझे लगता है पूरी दोनों टीम में मिला के सबसे फिट प्लेयर आज भी इनके मलिक ही होंगे। सो भाई बहुत अच्छा खिलाड़ी है, फिटनेस पे काफ़ी काम करता है और रीसेंट फॉर्म भी जब जब खेलें अच्छा ही करते हैं सो, और वन डाउन आते हैं सो एक अच्छे ऑप्शन टीम के लिए होने वाले हैं। हैदर अली मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा इस मैच में, क्योंकि ये खिलाड़ी अटैकिंग खिलाड़ी है, ये ऐसा है जो 20 बॉल पे 40-50 रन भी आपको बनाकर दे सकता है। और बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी पेशावर की जो है वो थोड़ा सा मुझे वीक नज़र आ रही है सो यहाँ पर हैदर अली का अच्छा खासा हो सकता है कि आज अच्छा वो कर जाएँ। सोहेल अख्तर अगेन कल के मैच में सिलेक्शन कम था, कल अच्छे इतने अच्छे पॉइंट दिए हमने लिए हुए थे, फिर भी आज भी सिलेक्शन कम है और अबू धाबी में इनका रिकॉर्ड अच्छा है और कल भी बहुत अच्छे टच में नज़र आ रहे थे सो एक बहुत अच्छी चॉइस आपके लिए रहेगी। इमाम उलक सिलेक्शन कम है, ओपन करते हैं और इनका ऐसा ही है, ये भी अगेन थोड़ा इनकंसिस्टेंट ही है, T20 में अभी तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दी हैं, एक दो इनिंग में PSL में भी अच्छे इन्होंने परफॉर्मेंस दी बट एक दो में आते ही आउट भी हो गए थे, लेकिन
अच्छी पिक रहेगी, क्योंकि ओपन करते हैं सो जो ओपनर होता है उसके पास यार हमेशा एक एज रहता है कि वो उन्हें पूरे ओवर खेलने को मिलते हैं, और ये खिलाड़ी है जो टिक जाता है, और PSL में भी इन्होंने एक दो मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। अब कुछ अगर बात करें कुछ डिफरेंशियल खिलाड़ी की, रदरफर्ड हैं, लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और चौके छक्के लगा कर देते हैं। डेविड मिलर काफ़ी अच्छी पिक हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से अगर हम बैटिंग देखें पेशावर की, सो पेशावर की अगर आप बैटिंग देखोगे सो यहाँ पर देखो बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग नजर नहीं आ रही है, ऐसा प्लेयर नहीं लग रहा है जो पूरा आराम से आपको खेल कर देगा। मतलब अकमल है यहाँ पर, मलिक है, हैदर अली है, मलिक कह सकते हो, और इमाम उलक है जो आराम से खेलते हैं, लेकिन ऐसी ही जो इनकी बैटिंग लाइन है बहुत ज़्यादा सॉलिड बैटिंग लाइनअप नहीं है। सो ऐसा लगता है कि मिलर के ऊपर अच्छा खासा दारोमदार आ जाएगा। मिलर का सीन देखो ये है, मिलर हमेशा अच्छा ही खेलता है, ठीक है, मॉर्गन हो गया, मिलर हो गया, ये अच्छे ही खेलते हैं मेजोरिटी ऑफ टाइम जब भी इन्हें चांस मिलता है, बट इनका क्योंकि डाउन थर्ड डाउन तक होता है सो इनकी कई बार बैटिंग ही नहीं आती है, वो एक चीज़ रहती है। अदरवाइज मिलर जो है आपको कैचेस से भी 3 से 4 कैच भी पकड़ के दे सकता है, सो एक अच्छी पिक होगी स्मॉल लीग में भी। ग्रैंड लीग में तो इन्हें नॉर्मल प्लेयर की तरह ट्राई करना ही है। टिम डेविड अगेन, ये प्लेयर में काफ़ी टैलेंट है, सिंगापुर से है, BBL भी खेला था बिग बैश, और इस कल के मैच में भी अच्छी पॉइंट्स दिए, एंड में आके अच्छे खासे रन करे और कंफर्टेबल ही लग रहे थे, बट इनका बैटिंग डाउन बहुत नीचे है। सो अगेन हर मैच में चाहे कितना ही अच्छा खेल लें, ये फैंटेसी यूजर्स के लिए एक रिस्की पिक ही रहने वाली है, क्योंकि बैटिंग बहुत नीचे करते हैं इवन दो इनमें पोटेंशियल काफ़ी है। फैज़ान की बात करूँ, कल 1 डाउन आए थे सो एक परफेक्ट पोजिशन इन्हें दी गई थी बैटिंग करने के लिए, बट काफ़ी आउट ऑफ टच लगे थे, प्रेशर बनाया, शादाब ने लगातार हिट करने की सोच रहे थे बट रन निकल नहीं रहे थे, तो फिर एंड में स्टेप आउट किया और बोल्ड हो गए। सो यंगस्टर है, आप 3% सिलेक्शन है, ग्रैंड लीग में तो ट्राई करना ही करना है, क्योंकि 1 डाउन आ रहे हैं भाई। कई बार ऐसा होता है कि इवन प्लेयर बहुत अच्छा ना भी हो, उसकी बैटिंग पोजीशन की वजह से कभी कभी वो बहुत अच्छा कर जाता है, और सिर्फ 3% सिलेक्शन है, स्मॉल लीग में अवॉइड कर सकते हो, बट ग्रैंड लीग में एज अ नॉर्मल प्लेयर ज़रूर ट्राई करना। कैलन फर्गसन अगर खेलते हैं सो, वैसे खेले नहीं थे, अगर खेलते हैं सो भाई अच्छे खिलाड़ी हैं। सेम गोज़ फॉर जजाई, जजाई सो T20 के स्टार है, सो वो अच्छा खेलते हैं, अच्छे चौके छक्के लगाते हैं, सो दोनों अगर खेलते हैं सो आप टीम में इन्हें ले सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में बात करें, हफीज़ और फॉकनर डिफॉल्ट पिक होने वाली है, हर किसी की टीम में होंगे, फॉकनर स्पेशली, लोगों के कैप्टन वाइस कैप्टन भी हैं, कल के मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, और यहाँ पर हफीज़ कल के मैच में अच्छे टच में लगे थे, लग नहीं रहा था जल्दी से आउट होंगे, और अच्छे टच में भी लगे थे, सो भाई ये दोनों हर किसी की टीम में मिलने वाले हैं, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी काफ़ी लोगों के होने वाले हैं। एक सरप्राइज पिक जो इस मैच की हो सकती है वो है अमाद बट, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी, बहुत अच्छा फास्ट बॉलर और बैटिंग से चौके छक्के लगाने वाला, सो भाई ये एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, आप अपनी टीम में बिल्कुल लेना, मैं भी इसे अपनी टीम में ट्राई करने वाला हूँ। और कोई यहाँ से अगर बात करें सो फेबियन एलन के खेलने के चांसेस हैं, सो जो आपको थोड़ी बहुत बॉलिंग, थोड़ी बहुत बैटिंग, थोड़ी बहुत फील्डिंग सब कुछ करके, थोड़ा थोड़ा करके आपको 30-40 पॉइंट का आराम से देने का दम रखते हैं, सो ये आप ग्रैंड लीग में इन्हें बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग में भी अगर कोई डिफरेंशियल जाना है सो बुरी पिक नहीं है, बाकी और किसी के खेलने के चांसेस कम है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, वहाब रियाज बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, टीम के कैप्टन है और अच्छा खिलाड़ी है, बहुत एक्सपीरियंस है, बॉलर अच्छा है, डेथ में अच्छी बॉलिंग डालता है और चौके छक्के भी लगा लेता है। कुछ डिफरेंट करना चाहते हो सो आप वहाब रियाज को स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, स्पेशली पहले बॉलिंग करते हुए एक अच्छी पिक आपके लिए हो सकती है। राशिद खान है, आपको बैटिंग बॉलिंग से दोनों से पॉइंट देते हैं, कल लास्ट ओवर में बिल्कुल फंसा हुआ मैच जो है वो जिताकर चले गए थे, सो भाई यही करामाती खान है, हर बात करामात करते रहते हैं, और बॉलिंग तो आप सबको पता है नो डाउट, मतलब बेस्ट बॉलर है ये, मतलब कि यार स्पिन अगर आज की डेट में बात करें कि कौन बेस्ट स्पिनर है सो राशिद खान है नो डाउट। बस ये है कि इनका इनको जो लोग है जो अपोनेंट है अब वो इन्हें रन बनाने की सोचते हैं, वो सोचते हैं इनके 4 ओवर निकाल दें, बट ये फिर भी कहीं ना कहीं से बॉल इधर उधर घुमा के विकेटों तक पहुंचा ही देते हैं, सो विकेट निकाल लेते हैं। शाहीन अफरीदी अच्छी इंपॉर्टेंट पिक लग रही है मुझे इस मैच में, कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में बना सकते हो, ग्रैंड लीग में भी, स्पेशली अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो। हैरिस रॉफ अगेन एक ऐसा बॉलर जो विकेट्स निकालता है, अगर देखा जाए इनकी पिटाई भी होती है बट जब ये रिदम में होते हैं ये एंड के ओवर्स डालते हैं और वहाँ पर ये विकेट्स निकाल जाते हैं, सो ध्यान रखना चारों पिक बॉलिंग में जो 4 पिक हैं चारों ही काफ़ी अच्छे पिक होने वाली है। अब कुछ अगर डिफरेंशियल प्लेयर की बात करें, दानियाल मैंने कल अपनी टीम में स्मॉल लीग में लिया था, 2 विकेट निकाल कर गया है, आज भी अच्छा कर सकता है, बॉलर ये अच्छा है सो ध्यान रखना है, दानियाल का अच्छा खासा बॉलर है। मोहम्मद इरफान खेलने के कम चांसेस हैं और रीसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन फिडल एडवर्ड्स को आप अपनी टीम में ले सकते हो, फिडल एडवर्ड्स
काफ़ी जब से दोबारा से खेलना स्टार्ट कर रहा है कि यस भाई काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज बैक टू बैक दे रहे हैं। अभी भी काफ़ी मतलब एज हो गई है लेकिन इनकी आप शरीर देखोगे सब कुछ मतलब बिल्कुल पूरा जोश भरा पड़ा है इनके अंदर। सो भाई काफ़ी अच्छा बॉलर है, विकेट्स निकाल लेता है। और अगर यहाँ पर किसी की बात करें, उमेद आसिफ है, अच्छा बॉलर है, ठीक है, ऑलराउंडर का आपको काम करके देता है, बैटिंग भी ये करके दे देता है। सो भाई ये एक अच्छी पिक होगी, ग्रैंड लीग में स्पेशली अपनी टीम में ले सकते हो। शायद इन्होंने एक बार PSL में 4 से 5 विकेट भी निकाले हुए हैं। सो ये अच्छा खिलाड़ी है, ध्यान रखना है। बाकी और दिलबर हुसैन, वैसे खेलने के चांसेस कम है क्योंकि कल टीम जो है जीत कर आई है। कल जो है हाँ टीम जीत कर आई है। यहाँ पर दिलबर हुसैन जो है एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है जिससे आप अगर खेलता है, चाहे इनका सिलेक्शन 2% हो 10% हो, बिल्कुल अपनी टीम में ले सकते हो, खेलने के चांसेस कम है वैसे। ये थी प्रिडिक्शन। अगर हम बात करें अब आपके लिए थोड़ा सम अप कर देते हैं कि ऐसे आपको इजी हो जाए कि आपने किस तरीके से टीम बनानी है। की प्लेयर्स की बात करते हैं, लाहौर की तरफ से ये वो खिलाड़ी हैं जो मैक्सिमम लोगों को उन्होंने परफॉर्मेंस दे भी रहे हैं और इसी वजह से लोग उन्हें प्रेफर भी कर रहे हैं। लाहौर की तरफ से इंपॉर्टेंट होंगे फ़खर जमान, फॉकनर, हफीज, राशिद खान, अफरीदी और हैरिस रॉफ। अगर बात करें पेशावर की तरफ से, सो इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी जो यहाँ पर बन के आ रहे हैं वो है कामरान अकमल, मलिक, हैदर अली, वहाब रियाज और उलक्सो, ये एक इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं दोनों टीम से की प्लेयर हैं। अगर बेस्ट पंट पिक्स की बात करें, ये वो खिलाड़ी हैं जो अगर आप अपनी टीम में लेते हो उन पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है, बट ये परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं और इनमें पोटेंशियल है आज भी अच्छा करने की। सोहेल अख्तर कल के मैच में इतने अच्छे टच में लगे फिर भी सिलेक्शन बहुत कम है। डेविड मिलर, आपको पता है किलर मिलर क्या कर सकता है। इमाद वट, जैसा मैंने बताया, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, सो बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकता है। ए दानियाल कल के ही मैच में 2 विकेट निकाल कर आ रहे हैं और फिडल एडवर्ड्स जो काफ़ी अच्छे आपको बोल्ड के भी पॉइंट और LBW के भी अच्छे खासे पॉइंट्स दे सकते हैं। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो, ये जो प्लेयर्स हैं की प्लेयर्स और यहाँ पर बेस्ट पंट प्लेयर्स, आप इनके ऊपर फोकस करके अपनी स्मॉल लीग की टीम बना सकते हो, ठीक है। आपको और भी कोई अगर आपको प्लेयर सही लगता है आप उसे ले सकते हो, बट आप इन पर ज़्यादा फोकस करोगे आप एक काफ़ी अच्छी टीम बना पाओगे। बात करते हैं कैप्टन वाइज कैप्टन की, यहाँ पर है बहुत सारे कैप्टन वाइज कैप्टन ऑप्शन है क्योंकि इस मैच में कोई ऐसा फिक्स खिलाड़ी नहीं है कि जिसे आप, जैसे बाबर आजम है, रिजवान है, ठीक है, PSL में। ये वो खिलाड़ी हैं आप जिनको अगर ये खेल रहे होते हैं मैक्सिमम लोग इन्हीं में से ही बनाते हैं और एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं। इस मैच में काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर है क्योंकि फॉकनर इसलिए लोग कैप्टन बनाएंगे क्योंकि कल वो खेल कर आ रहा है। हफीज़ जो है कैप्टन प्लेयर बहुत अच्छा है बट सेकंड डाउन बैटिंग कर रहा है, बट लोग बनाएंगे, कल हमारा वाइस कैप्टन था और अच्छा खेल के गया, अच्छे टच में लग रहा था, ठीक है। फ़खर जमान लोग काफ़ी लोग कैप्टन बनाएंगे लेकिन फ़खर जमान आपको पता है यार बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर है, चल जाए तो बहुत अच्छा, ना चले तो कुछ भी नहीं। ऐसे ये जो खिलाड़ी हैं इस वजह से इस मैच में ना काफ़ी अच्छी काफ़ी सारी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है। फॉकनर है, फ़खर जमान है, हफीज़ हैं, ये तीनों तो फेवरेट चॉइस है, मतलब कि लोग इन्हें ही प्रेफर करने वाले हैं। आप अगर कुछ अलग करना चाहते हो कामरान अकमल बहुत अच्छी चॉइस है, शाहीन अफरीदी काफ़ी अच्छी चॉइस है और वहाब रियाज जो है ये काफ़ी अच्छी चॉइस हैं। अगर ग्रैंड लीग की बात करें, नॉर्मल प्लेयर आपने जिनको ट्राई करना है फैज़ान आपने ट्राई कर सकते हो, आप नॉर्मल प्लेयर, मिलर तो ट्राई करना ही है, चाहे स्मॉल लीग में भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रैंड लीग में भी कर सकते हो। फैबियन एलन को भी नॉर्मल प्लेयर की तरह ट्राई कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में शाहीन अफरीदी, कामरान अकमल, वहाब रियाज और इमाद भट्ट को बना सकते हो। अगर आप चलते हैं टीम की तरफ, यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में मैं कामरान अकमल अपनी टीम में लूँगा। बेन डंग को लेना चाहते हो ले सकते हो। यहाँ पर फ़खर जमान रहेंगे, हैदर अली रहेंगे और यहाँ पर सोहेल अख्तर रहेंगे, ये कुछ प्लेयर्स हैं। यहाँ पर एक मलिक है जिसे बिल्कुल कंसीडर करना है, बट ड्रीम इलेवन में जो है क्रेडिट की प्रॉब्लम है। यहाँ पर मलिक एक अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पर इमानुलक को आप ले सकते हो और यहाँ पर डेविड मिलर को ले सकते हो स्मॉल लीग में, ये कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, बट क्रेडिट के चलते अभी मैं इन तीनों के साथ जा रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में मेरे पास फॉकनर, हफीज़ और इमाद भट्ट तीनों ही आ जाएंगे यहाँ से। जो और एक ऑप्शन है वो है फैबियन एलन, जिसे ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में वहाब रियाज, राशिद, यहाँ पर अफरीदी और हैरिस रॉफ, मेरे पास चारों ही आ जाएंगे। यहाँ पर फिडल एडवर्ड्स को ट्राई कर सकते हो, खेलते हैं और क्रेडिट बचाना है तो डैनियल को भी कर सकते हो। लाहौर के मोस्टली जो बॉलर्स हैं वो अपने चारों ओवर पूरे कर रहे हैं, किसी मैच में ज़रूरत पड़ी तो उनका जो 6th बॉलर है वो हफीज़ होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेरी जो है वो ये टीम बन रही है ड्रीम इलेवन पे। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, देखो फ़खर जमान है, फॉकनर है, जो लोग बना रहे हैं आप बिल्कुल बना सकते हो, मैं इन दोनों को नहीं बनाऊंगा। मैं जो थोड़ा सा सोच रहा हूँ वो है हफीज़,
की तरफ है कामरान अकमल, यहाँ पर अफरीदी और यहाँ पर वहाब रियाज। डिपेंड करेगा अगर लाहौर पहले बॉलिंग कर रही है लाहौर, सो मैं हाई चांसेस है अफरीदी को कैप्टन बना सकता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग के ओवर डालते हैं और एंड के ओवर डालते हैं और यार बॉलर अच्छा है इनका, बेस्ट बॉलर है, सो ट्रस्ट किया जा सकता है। राशिद खान भी एक ऑप्शन है बट अभी तक मुझे लगता है कि अभी चांसेस नाइट मैच है, सो हो सकता है कि थोड़ी अगर ड्यू फैक्टर आए सो उतने इफेक्टिव शायद ना हो, बट अच्छे प्लेयर हैं बना सकते हो। सो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप किसी ऐसी ऐप पर खेलते हो जहां क्रेडिट की प्रॉब्लम नहीं है, सपोज़ करो रियल इलेवन या किसी और पर, सो आप वहां पर क्या कर सकते हो, रियल इलेवन पर आप ये टीम जो है बना के लगा सकते हो, ठीक है। इसमें आपके पास आप हैदर अली की जगह आप मलिक इजी ले पाओगे, यहाँ क्रेडिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर आप ले सकते हो, इवन अगर आप यहाँ से किसी बॉलर की जगह, सपोज आप कहते हो कि भाई मैं यहाँ से हैरिस रॉफ की जगह यहाँ पर डेविड मिलर लेना चाहते हो, सो आप यहाँ पर वो भी बड़े आसानी से कर पाओगे, सपोज ये, सो आप ऐसी टीम भी बना सकते हो। बाकी आप मिलर की जगह हैरिस रॉफ लोगे सो बेटर है। आप यहाँ पर मलिक आप इजीली ले पाओगे, सो जो लोग रियल इलेवन पर खेलते हैं वो यहाँ पर मलिक ले सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, फॉर्चून रेफर कोड है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और खेल सकते हैं। लोएस्ट एंट्री फीस है इनका। एक फीचर मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने कल खुद खेला और यार मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वो है स्पॉट फैंटेसी, एक ओवर वाली फैंटेसी। मतलब एक ओवर की टीम बनानी है उसमें, जैसे पहले ओवर में क्या होगा हमें सिर्फ गेस करना है, कि मतलब प्रिडिक्ट करना है कि पहली बॉल पे रन आएंगे या डॉट बॉल होगी या चौका आएगा, दूसरी बॉल पे क्या होगा। सो सही जवाब होता है सो पॉइंट्स मिलते हैं, गलत होता है सो नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं, और जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे नॉर्मल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो, सो आप यार पूरे मैच में खेल सकते हो। मुझे वो बहुत सही लगा, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। इन्वेस्ट भले ही बहुत कम करना स्टार्टिंग में एकदम से, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ हो आपको पहले ट्राई करके सीखनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि जो ये चीज़ सीख गया वो काफ़ी अच्छा कर सकता है, सो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। बाकी आप कैप्टन वाइस कैप्टन, अगेन जैसा मैंने कहा कि मैं हाई चांसेस है अफरीदी, यहाँ पर हैरिस रॉफ, सॉरी अफरीदी, वहाब रियाज, हफीज़ और कामरान अकमल में से सोच रहा हूँ। यहाँ पर फ़कर जमान और फॉकनर भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो पसंद आई है सो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़ जाओ। हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसी के थ्रू जुड़ना है। थैंक यू गाइज़।